जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 5 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 5 की वर्कशीट। ठीक है, तो ए नंबर क्वेश्चन देखिए। द डेसिमल पार्ट इज मिसिंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यूज द गिवन हिंट्स टू प्लेस द डेसिमल पॉइंट एट द एप्रोप्रिएट प्लेस। तो यहाँ कुछ नंबर्स है, 6 नंबर्स है, इनमें डेसिमल पॉइंट पुट करना। तो कहाँ पर डेसिमल पॉइंट पुट होगी, ये आपको यहाँ जो हिंट दी गई है ना, हर नंबर के अगेंस्ट एक एक लाइन दी गई है, इस लाइन को पढ़ पढ़ के, लाइन को समझ के यहाँ डेसिमल पॉइंट पुट करना। तो वो बहुत समझदारी से करनी पड़ेगी। पहला देखिए, 1 नंबर 361 में डेसिमल पॉइंट पुट करना, तो आप एक्चुअली कहाँ पे पुट करना भाई? तो देखिए, नंबर ऑफ सेकंड्स इट टेक्स महक टू राइट हर नेम। तो महक को अपने नाम, सिर्फ महक लिखने की जो टाइम है वो कितनी होगी, यहाँ देखिए सेकंड्स में है, ये नंबर ऑफ सेकंड्स मतलब सेकंड्स में है, लेकिन यहाँ 361 है। क्या किसी की नाम लिखने के लिए 361 सेकंड लग जाएगी? तो सिर्फ महक वर्ड लिखने के लिए कितनी टाइम लगेगी? तो ऑब्वियसली यहाँ 36 सेकंड्स भी नहीं लगेगी। देखिए 36 सेकंड्स मतलब आधा मिनट से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ अगर डेसिमल पॉइंट पुट की जाए, इस जगह डेसिमल पॉइंट पुट की जाए 3 के बाद, तो 3.61 सेकंड्स, तो मतलब 4 सेकंड से थोड़ा सा कम और 3.5 सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट 3.61 पर होगी। तो एग्ज़ाम में अगर ऐसे पूछा जाए ना, तो जस्ट डेसिमल पॉइंट पुट करना, ठीक है? तो 3.61 सेकंड्स। अच्छा, 2 नंबर में देखिए कैसा होगा। देखिए 2 नंबर में क्या करिए, 105 तो है, तो डेसिमल पॉइंट पुट करना। लेंथ ऑफ ए न्यू पेन इन सेंटीमीटर्स दैट महक गॉट। तो महक ने एक कलम खरीद की, परचेज की, तो इसकी लेंथ क्या होगी? यहाँ सेंटीमीटर में है, तो देखिए 105 सेंटीमीटर। क्या एक कलम की लंबाई लेंथ 105 सेंटीमीटर होना पॉसिबल है? देखिए मान के चलिए ये एक ऐसा कलम है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटीमीटर की होगी। तो अगर 10 सेंटीमीटर है तो 10.5 होगा, ठीक है? तो 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 2 नंबर। अब 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर क्या करिए, 330। अच्छा, ये किसकी लेंथ है? लेंथ ऑफ एन एज ऑफ महक्स मैथ्स बुक इन सेंटीमीटर्स। तो महक की मैथ्स बुक की जो लेंथ है, किसी एक साइड की लेंथ है, तो मान लीजिए ये मैथ्स बुक है, देखिए ये साइड यहाँ से यहाँ तक, तो हार्डली कितने सेंटीमीटर हो सकते हैं? हार्डली देखिए यहाँ 33 सेंटीमीटर हो सकती है, लेकिन अगर 330 लिखे ना, तो ये गलत होगा, क्योंकि एक मैथ्स बुक की जो एज है, साइड है, इसकी लेंथ 330 सेंटीमीटर होना पॉसिबल नहीं है। ये 330 बहुत लंबी है, तो ये 33 सेंटीमीटर होगी, ठीक है? तो 3 नंबर में जस्ट 33.0 या फिर 33 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद तो 0 है, तो इसको नाल की तभी होगी, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होगी। अच्छा, नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, 24,535। अच्छा, ये क्या है? प्राइस इन रुपीज ऑफ ए टी शर्ट डेट महक गॉट फॉर हर बर्थडे। तो महक अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए एक टी शर्ट खरीद करती है, तो इसकी प्राइस रुपीज में क्या होगी? इन्हें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे पुट होगी? देखिए यहाँ 5,335 है, तो ये 24,535 रुपये। क्या है? टी शर्ट की कीमत, एक छोटा बच्चा की टी शर्ट की कीमत 24,535 रुपये होगी, ये ऑफकोर्स नहीं है। तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे पुट करना भाई? अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट करें ना, 5 की बात, तो 2453.5 होगी, यानी कि 2453 रुपये से, ये भी पॉसिबल नहीं। अगर यहाँ हम डेसिमल पॉइंट पुट करें तो 245.35 है, तो ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि एक टी शर्ट की कीमत 245.35 ऐसी हो सकती है। हाँ, अगर आपने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाया तो 24.535, तो एक टी शर्ट की कीमत 24 रुपये, ये हो नहीं सकता। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट करने से 2.453, ये भी नहीं हो सकता, 2 रुपये से क्या एक टी शर्ट मिलेगी? तो एक्चुअली यहाँ हो रही है 245.35 रुपीज़, यहाँ रुपीज़ है, ठीक है, ये आंसर होगी, ठीक है। मतलब डेसिमल पॉइंट 5 और 3 के बीच पुट होगी। अच्छा, नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, 1173, यह क्या क्या है? देखिए
महक इज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, हर हाइट इज सेंटीमीटर्स। तो किसी फाइव स्टैंडर्ड के बच्चे की इतनी हाइट नहीं हो सकती, वो 170.3 सेंटीमीटर होगी। तो फाइव नंबर 117.5 सॉरी यहाँ थ्री सेंटीमीटर, तो डेसिमल पॉइंट जस्ट थ्री के बाद लग जाएगी राइट साइड से। नेक्स्ट सिक्स नंबर देखिए, लेंथ ऑफ महक्स पेंसिल इन सेंटीमीटर। तो एक पेंसिल की जो वुडन पेंसिल होते हैं ना, इसकी ऐसी एक पेंसिल की लेंथ क्या होगी, 155 सेंटीमीटर, ये बहुत ज़्यादा है। तो 15.5 होगी ज़्यादा से ज़्यादा। सिक्स नंबर है 15.5 सेम, मतलब डेसिमल पॉइंट दोनों फाइव के बीच है, ठीक है। अच्छा आप बी नंबर देखिए, यू आर गिवन द फॉलोइंग फाइव डिजिट्स एज शोन बिलो। तो आपको यहाँ की पांच डिजिट्स दी गई हैं। अच्छा अब यहाँ देखिए, यूज द डिजिट्स टू फॉर्म द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। तो आपको इन फाइव डिजिट्स से नंबर बनाना, अच्छा वो डेसिमल पॉइंट से होनी चाहिए। नेक्स्ट फोर नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ सेवन इज रिप्लेस्ड बाय जीरो, व्हाट वुड बी योर आंसर्स फॉर क्वेश्चंस 1, 2 and 3। अच्छा अगर इस सेवन की जगह, ये जो सेवन है ना, सेवन की जगह यहाँ जीरो है, यहाँ क्या है डिजिट, सेवन है, थ्री है, वन है, टू है, फाइव है। अच्छा तो इस सेवन की जगह अगर जीरो होता तो वन नंबर क्वेश्चन क्या होता, ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर बट लेस देन 60। हम नेक्स्ट कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, इनके आंसर करना। तो यहाँ डिवाइड है देखिए, 8.445 को 0.15 से डिवाइड देने से कौन से नंबर आएंगे, ये इसको इससे डिवाइड किया जाए तो 56.3 आएंगे। तो यहाँ सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है। ऐसे डेसिमल से डेसिमल नंबर को डिवाइड देने की जो प्रोसेस है, ये मैंने डिटेल्स डिस्कस किया एक्सरसाइज 5.6 में। तो अगर आपको डिवाइड करने में कोई कंफ्यूजन है या फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक्सरसाइज 5.6 देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट टू नंबर देखिए, इफ 21.03 डिवाइडेड बाय 3 इज 7.01, व्हाट इज 21.03 डिवाइडेड बाय 0.3। तो अगर इसकी वैल्यू ये, तो इसकी वैल्यू क्या है, तो एक काम करिए इसको इससे डिवाइड दे दीजिए, तो आपको ए नंबर में 70.1 मिलेगी। तो यहाँ ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट तीन नंबर देखिए, 11.11 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू, तो ये ऑब्वियसली 1.01 होगी, तो सी नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है इसकी, ठीक है। तो भाई ये वर्कशीट कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करना और आपके साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।